What the fuck? Fuck. वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और ये आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है जो मैंने बहुत टाइम से ऑर्डर किया हुआ था अमेज़ॉन से। तो ये है GoPro की एसेसरीज़, 40 in 1 एसेसरीज। इसके अंदर 40 एसेसरीज़ है GoPro की। और देखते हैं कैसा रहेगा, कैसी है एसेसरीज़, ओपन करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन तो चीज़ें जैसे दिखती हैं वैसे निकलती नहीं है, तो होपफुली जैसी ऑर्डर करी थी वैसी निकली हो। और बाकी अगर सही रहा तो इसको अपने बाइक पे माउंट करेंगे और अलग अलग एंगल से इसे आपको GoPro की वीडियोस फुटेज दिखाएंगे। सो जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं। स्टिक है जो कि मतलब वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। अगर आप इसके ऊपर GoPro माउंट कर देते हो तो पानी के अंदर डूबेगा नहीं। तो ये अगर कभी राफ्टिंग के लिए या स्कूबा के लिए जाओ तो बहुत अच्छी चीज़ है। इनकेस अगर आपके हाथ से GoPro गिर जाए तो सेफ रहता है, ये अच्छी चीज़ है। एक ये सेल्फी स्टिक है, नॉर्मल सेल्फी स्टिक है, तो ये भी सही है, अच्छी चीज़ है। और अलग अलग ये माउंट है, बहुत सारी अटैचमेंट्स हैं, स्क्रूज़ हैं। ये एक आपका रिस्ट है, अगर इनकेस अगर आप बंजी जंपिंग या स्काई डाइविंग करते हो तो आपके रिस्ट पे लग जाएगा, तो उससे भी काफ़ी अच्छा फुटेज आता है। एक ये आपका गाड़ी के अंदर आपके मिरर के ऊपर लग जाता है, जो आगे जो विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर लग जाएगा, तो बढ़िया। ओके, दिस इज़ हेड माउंट। अगर आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आपके हेड पे लग जाएगा और आगे GoPro लग जाएगा। तो देखते हैं कभी इन फ्यूचर इसका काम आया तो। बाकी जे माउंट है। और दिस इज बाइक के हैंडल पे अटैचमेंट लग जाती है और फिर आप GoPro लगा सकते हो। तो वही है बस, बहुत सारी एसेसरीज है, 40 एसेसरीज है इसके अंदर। और एक ये पाउच है इनका सारी एसेसरीज को कैरी करने के लिए। तो देखते हैं जैसे भी इसका आउटकम, देखते हैं ऐसे बाइक के अंदर माउंट करते हैं जल्दी से एक आधी एसेसरीज और अलग अलग एंगल से शॉट लेते हैं। तो स्वागत है आप सबका मोटो जॉकी जस संधू के साथ। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और मौसम ठंडा मौसम है आज, वो तो मैंने सोचा एक बार ही बाइक बाहर निकाल ली जाए। काम से तो जाना ही था तो सोचा छोटी बाइक क्या, ये बड़ी बाइक ही निकालते हैं। वैसे भी बहुत दिनों से नहीं चलाई थी, तो मैंने कहा आज इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये भी मुझे मिस करती है और इसको तो मैं बहुत मिस करता हूँ यार। मैं तो मौके ढूंढता हूँ कि कब इसको बाहर निकालूँ, बट यू नो गाइस, सुपर बाइक्स को आप रोज़ तो निकाल सकते नहीं हो बाहर। इन टर्म्स ऑफ पेट्रोल नहीं, बट ये ट्रैफिक को देख के मेरी सीरियसली फट जाती है यार। मेरे से नहीं चलाई जाती ऐसे ट्रैफिक में। और फिर जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे आप सबसे पहले इशू आता है आपको पार्क करने का। कोई आपकी बाइक छेड़े, कोई गिरा दे, पार्क करते टाइम आपने अच्छी जगह चूज़ नहीं करी, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए मैं बाहर हर रोज़ इसे निकालता ही नहीं हूँ। जहाँ जाता हूँ मतलब कोशिश करता हूँ कि ये आँखों के सामने ही रहे, वरना मैं बाहर ही नहीं निकालता इसे। छोटी बाइक है उसी बाहर निकालो, वही अपना सबसे बेस्ट है। सब्जी लेके आनी हो, कुछ लेके आना हो, छोटी बाइक। सो हमारा प्लान तो पहले कुछ और था, बट फिर समहाउ नरेंद्र को कुछ काम पड़ गया, तो वो कहता कि यार मुझे लेट हो जाएगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं मैं ही तेरे वहाँ आ जाता हूँ, मैं बहुत दिनों से मिला भी नहीं तुझसे, प्लस कुछ खाया पिया भी नहीं बाहर का, तो कुछ बाहर कुछ चलते हैं, बाहर खा लेंगे कुछ और एक छोटी सी आउटिंग हो जाएगी। और क्या, एक यहाँ पे ये बाइक फैक्ट्री है, सोच रहे कि यहाँ से एक बार ही आके इनसे पता करा जाए कि इनके पास हार्ले या बेनेली है, क्योंकि अपने ग्रुप के अंदर दो बंदे ऐसे हैं जिनको कीड़ा उठा हुआ है आज के टाइम पे कि उनको बाइक चाहिए। एक हार्नी हांडा है अपने साथ, उसका आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि उसको हार्ले चाहिए। और एक मेरा फ्रेंड है नरेंद्र, जिसके घर अभी मैं जा रहा हूँ, जिसे अभी आपको मिलाऊँगा, उसको चाहिए बेनेली। तो यहाँ पे आके देखेंगे, एक दो बंदों ने रिकमेंड किया है। और आप सब के भी अगर किसी फ्रेंड सर्कल के अंदर किसी के पास हार्ले 750 या फिर बेनेली है, बेनेली 600i, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आपसे भी डायरेक्ट कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि डीलर से ही लेनी है। अगर आप अच्छी डील देंगे, अगर बाइक आपकी साफ़ होगी, तो फॉर श्योर वहाँ से हम लेना प्रेफर करेंगे ज़्यादा। सो बस एक दो महीने के अंदर अपने ग्रुप के अंदर होप कर रहा हूँ कि दो बाइक्स और ऐड ऑन हो जाए, फिर तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। ग्रुप राइड करके फिर चलेंगी ट्रिप्स बड़ी बढ़िया लद्दाख वाली, क्योंकि दो तीन सुपर बाइक्स हो ना ग्रुप के अंदर तो मज़ा आता है बाइक चलाने में, और ट्रिप के अंदर भी हो ना तो अलग ही फील आता है। अभी जस्ट मैंने ये न्यू सेटअप करा, और आई एम नॉट श्योर कि अभी आपको ये वाला सेटअप कैसा लग रहा होगा। अभी जो नई किट आई है मेरी GoPro की, तो मैंने कहा एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक आधी जगह पे अलग सा माउंट लगाते हैं। सो आई एम नॉट श्योर आपको कैसा लग रहा होगा, कैसा व्यू आ रहा होगा, ये तो अभी घर जाके मैं फुटेज चेक करूँगा तो ही मुझे आइडिया होगा कि हाँ ये फुटेज बढ़िया है, ये माउंट सही है, सही जगह लगा या नहीं लगा। नहीं तो कहीं और एक आधी जगह पर ट्राई करेंगे। ये इनलाइन 4 की जो साउंड होती है ना, ये अलग ही होती है। इससे पहले मैंने डुकैटी देखी थी, डुकैटी मॉन्सर या तो वो L-twin सिलेंडर। अब आपको डुकैटी की आवाज़ पता है कैसी है, थोड़ी सी रफ़ सी, थोड़ी सी मैं अपनी भाषा में बोलूँगा तो खड़की हुई आवाज़ जैसी होती है, खड़की हुई बाइक की आवाज़। तो वो देखी, उसका भी सेम प्राइस पड़ रहा था ऑलमोस्ट लगभग प्री ओन्ड के अंदर। तो मैंने कहा वाई नॉट टू गो फॉर दिस वन यार, अगर आपको इतने सेम प्राइस के अंदर ही अगर आपको इनलाइन 4 मिल रहा है, बिकॉज मेरी प्रेफरेंस है हमेशा से इनलाइन 4। और कई बंदों को डुकैटी पसंद होगी, नो ऑफेंस, बट मेरी जो प्रेफरेंस है वो है इनलाइंस। तो और वैसे भी डुकैटी के खर्चे सीरियसली बहुत है। जो डिटेलिंग गैराज वाले पाजी हैं, अमन पाजी, मैंने उनसे पहले सजेशन ली थी कि पाजी कौन सी लूँ। मैंने अभी जस्ट एक डुकैटी देखी है, तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली सीधा मना कर दिया कि डोंट गो फॉर डुकैटी, अगर उसके अंदर कुछ पार्ट ख़राब हो गया, नॉर्मल पार्ट्स तो होंगे वो मिल जाएंगे बाहर से, बट अगर कोई ऐसा पार्ट ख़राब हो गया जो बाहर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो आपकी बाइक सीधा कंपनी जाएगी, और दैट इज़ टू मच एक्सपेंसिव। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने एक दो कावासाकी देखी, उसमें से मुझे ये पसंद आई। बट इससे पहले मैंने आई वॉज गोइंग फॉर बेनेली, बट मेरे ब्रदर ने बोला कि यार 1-1.5 लाख रुपये थोड़ा और डाल के ये ले लेते हैं, बेनेली से ज़्यादा अच्छी बाइक भी है इन टर्म्स ऑफ लुक और माइलेज प्लस पावर, तो ऑब्वियसली सब आप सबको पता ही है। तो बस फिर हमारा बीस्ट आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसका कुछ नामकरण किया जाए, कुछ अच्छा सा नाम रखा जाए इसको, यू नो, जिसको हम आप पसंद करते हैं, जिसको आप यू नो चाहते हैं, उसका कुछ तो नाम होता ही है ना। तो सोच रहा हूँ इसका भी कुछ नाम रखा जाए। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या नाम रखा जाए हमारी इस कावासाकी Z800 का। कावासाकी Z800 बहुत बड़ा हो जाता है नाम तो, है ना, फिर हम उसी नाम से बुलाया करेंगे अपनी बाइक को। डुकैटी का नाम लिया और डुकैटी आ गई, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। डुकैटी का नाम लिया और डुकैटी हाजिर। बट ये वाला मॉडल बहुत प्यारा था। तेरा ब्याह की है? तेरा ब्याह टोपी जाना बिना पागल सही लग रहा है मेरा सेक्सी है बढ़िया हो ना। इनको देखा प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूं, आपको मैं कर रहा हूं। ओके आओ सर शुरू करो, आपकी फरमाइश आई थी मोमोज की, बहुत दिन हो गए खाए नहीं थे। और ये डीजे वाले बाबू हमारे साथ फिर से वंस अगेन। डीजे वाले बाबू हाँ किया ठीक है बेइज्जती बाद में करें। यार बंदा है एक नंबर था। What the fuck? Fuck. Seriously यार, मतलब लोगों को बाइक अच्छे वाली खड़ी यहाँ पे रास नहीं आ रही थी क्या? फालतू में किसी ने इंडिकेटर तोड़ दिया यार। अरे यार शिट खर्चा, और तो कुछ पंगे नहीं लिए ना। हवा मतलब यार क्या, मतलब तुम्हारे को अच्छी बड़ी बाइक खड़ी हुई है यहाँ पे एक जगह पे, हाँ ना तुम्हारी कोई पार्किंग, तुम्हारा घर ब्लॉक कर रहा है, कोई गेट ब्लॉक कर रहा है, या कुछ रिजर्व पार्किंग में मैंने खड़ी करी। हद है यार लोगों की सीरियसली। यही मैं स्टार्टिंग में वीडियो में यही बोल रहा था कि मैं इस बाइक को इसलिए बाहर ज़्यादा नहीं निकालता क्योंकि ना लोग बहुत वो हैं, पंगे लेते हैं। यही चीज़ मैं बता रहा था और यही चीज़ आज हो भी गई है। एनीवेज कोई नहीं, अब नया डलवाना है, नया डलवाएंगे। मतलब खर्चे पे खर्चा। एनीवेज चलो कोई नहीं, बाकी जस्ट अभी बस नरेंद्र और ध्यान निकले अपने घर को और मैं अब यहाँ से अपने घर निकल रहा हूँ। और ये है यहाँ की राजौरी गार्डन मार्केट, ये भी अच्छी दिल्ली की वन ऑफ द फेमस मार्केट में से एक है। अभी रात को टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, नहीं तो अभी ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड होती है। अभी तो ये कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन, वरना यहाँ तो पूरा जाम लगा होता है अच्छे वाला। क्या यार थोड़ा सा मूड ख़राब हुआ, ये इंडिकेटर जिसने तोड़ा, मतलब क्यों करते हैं लोग, मेरे को समझ नहीं आता क्यों करते हैं लोग। मतलब हम भी किसी की बाइक के ऊपर फ़ोटो खिंचाया करते थे एक टाइम पे, बट यार ऐसे किसी की बाइक पे पंगे नहीं लिया आज तक। बाइक पे बैठते थे हम भी प्रॉपर, अच्छे से फ़ोटो खिंचाते थे, बट ऐसे तरीके से कुछ करते थे कि उसकी बाइक को नुकसान ना हो। अब आई डोंट नो कि ये जिसने भी पंगे लिए हैं ये जान के किसी से हुआ है या फिर गुस्से में आके इंटेंशनली किसी ने तोड़ा है, आई डोंट नो सीरियसली। बट यार क्या ही बोलूँ, लोगों का कुछ नहीं हो सकता। सो दिस वाज आवर डे, और एंडिंग अच्छी नहीं हुई, स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी। हमने खाया पिया, मैंने शॉपिंग भी करी, जो कि बिल्कुल एक रैंडम प्लान था। मतलब मैंने कुछ ख़रीदने का कुछ मूड से नहीं गया था, वो तो मेरे फ्रेंड ने ध्यान ने अपना ब्लेज़र ऑर्डर किया हुआ था, तो वो अपने ट्रायल के लिए गया था। तो मुझे एक वहाँ पे नेहरू जैकेट जैसे कहते हैं ना, देखते क्लिक करके कि हाँ यार ये चीज़ अच्छी लग रही है, ये लेनी चाहिए, तो बस वो भी ले ली। और उसकी फ़िटिंग भी बहुत सही थी, एकदम एक्यूरेट मेरे साइज़ की थी, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस ले लिया। बाकी अब मैं अपने घर पहुँच गया और 1-2 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। सो अगर आपको ये वाली वीडियो किसी भी बात से अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। सो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन बाय बाय।